मैं अंजलि और रोहन के रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। अब आप ये बात मान लो कि आशीष वापस आने वाले नहीं है। अगर इसे शिल्पी और मेरे बारे में बता दिया तो शिल्पी की बदनामी हो जाएगी और हमारी प्लानिंग के बारे में भी इसे मालूम पड़ जाएगा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं ठीक 10 बजे तुमसे मिलूंगी। और सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। कांसी टू वेट यू। बाय। माँ 9 बज गए, अंजलि अभी तक नहीं उठी है। अरे उठ गई है, वो रोहन से मिलने जाना है ना, इसलिए मैडम जी तैयार हो रही हैं। लो आ गई। माँ मुझे नाश्ता करने को बिल्कुल नहीं कहना। हाँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। रोहन मेरा वेट कर रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे अंजलि कुछ तो खा लो। भाभी अच्छा एक काम करो, जूस पी लो। भाभी प्यार से पिला रही है, पी लेना थोड़ा। बस 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 बस, गुड गर्ल। बस हो गया, अब और कुछ नहीं। बाय 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 बाय, ध्यान से जाना। हाँ ओके बाय। अंजलि ने तो अपने लिए लड़का चुन लिया है, पर आशीष को रोहन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। अब अंजलि ने लड़का पसंद किया है, लड़के में कुछ तो खास बात होगी। आई मीन अंजलि ने लड़का पसंद किया है। वो तो है, लड़का बहुत अच्छे घर का है, काफी जमीन जायदाद और काफी पढ़ा लिखा भी है। पता नहीं आशीष को क्या प्रॉब्लम है। माँ आप ना आशीष की चिंता मत करो, कि आप देखना अभी आएंगे ना, मैं इन्हें समझाऊंगी, इनसे बात करूंगी और देखना मान जाएंगे। ठीक है बेटा। माँ मैं निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी लेट हो जाऊंगी, बाद में। अरे बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ हाँ अच्छा बहन जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अरे अंजलि ये सब क्या है, खड़ी खड़ी यही सारी बातें पूछ लोगी या अंदर भी चलोगी? हाँ तो ये जो सारे गिफ्ट्स है ना, तुम्हारे होने वाले दामाद ने दिए। लेकर जाओगी? ये देखो, ये देखो, ये है तुम्हारे लिए, स्पेशली पैक कराया है, और बाकी के जो दोनों हैं, वो भैया भाभी के हैं। सच में, तूने बहुत अच्छा लड़का चुना है। वो तो है, आखिर पसंद किसकी है माँ? तेरी मेरे बच्चे और किसकी? अच्छा तो ऐसी बात है। हम्म,
अंजलि बेटा दरवाजा खोल तो। माँ आज बहुत काम था कॉलेज में इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा माँ आज आशीष को भी आने में देरी होगी। हाँ चल ठीक है तू जाके फ्रेश हो जा मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। आशीष तुम इतने दिनों तक घर से बाहर रहते हो तुमने मेरे बारे में सोचा भी है? तुम्हें ख्याल है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीती हूँ? आशीष तुम्हें पता है हम हनीमून तक पे नहीं गए। देखो अभी इन बातों का वक्त नहीं है मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। माँ भी अभी सो रही है और मुझे भी अभी निकलना है। मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि माँ को समझा देना मैं अंजलि और रोहन के रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अंजलि के लिए लड़का देख रखा है और वो मेरी ही ऑफिस में काम करता है। लेकिन आशीष मैं यार कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर ये रिश्ता तय हुआ तो समझ लेना कि मैं अंजलि की शादी में शामिल नहीं होऊंगा। खुश रहे बेटा। अरे भाभी आपको पता है आपको फंक्शन में चलना चाहिए था। सीरियसली खाना इतना टेस्टी था आपको क्या बताऊं। और सबसे मजेदार तो मिश्रा जी की वाइफ ने क्या डांस किया है मजा ही आ गया। और उनके गहने और क्या भाभी क्या हुआ अब उदास क्यों? भाभी आपका बर्थडे है आज। माँ 3 हफ्ते हो गए इनका कुछ पता नहीं। मैं उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ कितने कॉल्स ट्राई किए लेकिन कहाँ गायब है। इनफैक्ट मैंने इनके कोलिग्स को भी ट्राई किया सब वापस आ गए। ये कहाँ रह गए हैं माँ? आप चिंता मत करो मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ। चौफी आ रहा है। अरे हाँ बेटा वो जरूर विपासना पे गया होगा शादी से पहले भी बहुत बार जाता था। विपासना ये क्या है? भाभी विपासना एक तरह का मेडिटेशन है जिसमें लोग समाज दुनिया से परे इस मोह माया से दूर एकांत में बैठकर ध्यान लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से भैया का फोन बंद आ रहा होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ बेटा तू चिंता मत कर आ जाएगा वो। हाँ अच्छा ठीक है आपका मूड ठीक करने के लिए मैं एक बढ़िया सी अच्छी वाली चाय बना के लाती हूँ। बैठे चल बेटा। शिल्पी बेटा बेटा तू आशीष के बॉस को फोन करके पता करना कि आशीष के बारे में कुछ पता चला क्या। माँ पिछले 6 महीनों में हमने न जाने कितने चक्कर काट लिए हैं पुलिस स्टेशन के। ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है जिससे हम नहीं मिले होंगे आशीष के लिए। पर आप कह रहे हो कि बॉस से बात कर लो। माँ मैंने उन्हें कम से कम 1000 फोन्स किए हैं 1000 और पिछले 6 महीने में एक ही जवाब दे दे के वो भी थक गए। हाँ आप ये बात मान लो कि आशीष वापस आने वाले नहीं है। अगर वो विपासना के लिए गए होते ना तो 1-2 महीने में आ जाते। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं माँ 6 महीने उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। होती ना तो आ जाते बल्कि मैं तो भूल गई उन्हें। भगवान पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहा है इस परिवार की। तू फिक्र ना कर
मैं तेरे लिए रोहन से भी अच्छा और बड़े घर का लड़का ढूंढूंगी। और तू कैसे लड़के के लिए रो रही है जो तेरे साथ संबंध होते हुए भी गैर औरतों के साथ रिश्ता रखता था? आप सही कह रहे हो माँ, शायद आशीष को रोहन के करतूतों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए तो उस रिश्ते के खिलाफ था। अंजलि, अब तुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, यही सही मौका है, अपने करियर पे पूरा फोकस कर। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ भाभी, सही कह रहे हो। मैं सोच रही थी कि मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ट्यूशन्स लेने पड़ेंगे। हाँ तो है ना एक्सपीरियंस टीचर मेरे कॉलेज में, और वो ट्यूशन्स भी देते हैं। मैं बात करती हूँ। हाँ पर बेटा तू भी तो कॉलेज पढ़ाती है ना, तो तू क्यों नहीं पढ़ा देती इसे? माँ मैं कॉलेज में पढ़ाती नहीं हूँ, क्लरिकल वर्क देखती हूँ, लेकिन मैं वो टीचर से बात करती हूँ और उन्हें अपने घर पे भेज देती हूँ। आप दोनों उनसे मिल लेना, और अगर आपको अच्छा लगे, मतलब समझ में आए, तो ट्यूशन शुरू कर देना। और अच्छी बात पता है क्या है, वो घर पे आके ही पढ़ा देंगे, किसी को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अंजलि मेरी आंखों के सामने पढ़ेगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। ठीक है माँ, तो मैं निकलती हूँ और उनसे बात भी करनी है ना। ठीक है, आज ही भेज देना। हाँ। हम लोग आज ही मिल लेंगे उनसे। ठीक है, स्माइल। बाय। हेलो। हेलो, आप कौन? जी मेरा नाम प्रतीक है, प्रतीक शर्मा, शिल्पी जी ने मुझे भेजा। शायद आपके यहाँ किसी को ट्यूशन पढ़नी थी? जी हाँ, मुझे ही पढ़ना है। आइए ना, अंदर आइए। श्योर। प्लीज कम। जी बैठिए। नमस्ते। नमस्ते माँ, ये है प्रतीक जी, भाभी ने जिनसे ट्यूशन के बारे में बात की थी। ओ हाँ हाँ, शिल्पी बता रही थी कि आप बहुत से बच्चों को कोचिंग देते हैं। जी। ये मेरी बेटी अंजलि है, फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती है, तो इसी के लिए कोचिंग चाहिए। जी मैं पढ़ा दूंगा इन्हें, कल इवनिंग से शुरू करते हैं, अगर अंजलि को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ शाम का टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा। अंजलि बेटा। हाँ, के लिए। अरे नहीं, सुनिए सुनिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल से शुरू हो रही है ना क्लासेस, कल से भी लेंगे। ठीक है, मैं कल शाम को ठीक 5 बजे आ जाऊंगा। ओके ओके, चलिए, नमस्ते, बाय बाय। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मी देखो ना, क्या है ये? रुको, मैं नहीं छोड़ने वाली। बड़े हो चुके हो। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी। बदमाश कहीं के? हाँ मुझे भूल गए। वाह ये सही है। नहीं ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लिसन लिसन, आप कैसे भूल सकते हैं? आई थिंक इसको कैप्चर करना चाहिए। गुड आइडिया, जल्दी जल्दी। माँ अब सोए नहीं? बस ऐसे ही। माँ मैं समझ सकती हूँ, एक बेटे के लापता हो जाने के बाद एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी, लेकिन माँ
सच क्या है ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती है ना, और आपको पता है ऐसा करके आप क्या कर रही हैं? अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप समझने की कोशिश करो माँ, आप मुझे कुछ पे भरोसा करती है ना? हाँ हाँ बेटा, तो मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ, और पिछले 6 महीने से मैं ही तो घर संभाल रही हूँ ना माँ, तो बस आप मुझ पे यकीन रखिए। हाँ ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली। तो फिर बस अब मेरी प्यारी सी माँ उठिए और जाके सो जाइए। हाँ रात काफी हो गई। हाँ बेटा। This is the problem. और हाँ एक और बात, मैंने आजकल ना नोटिस करा कि स्टूडेंट्स जो है अपने मेन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और जनरल नॉलेज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सो हम लोग सबसे पहले जनरल नॉलेज से शुरू करेंगे। जनरल नॉलेज इज वेरी अंजलि, अंजलि I'm really sorry. क्या हुआ? Are you okay? Yes, I'm fine. तो मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो क्या है ना बेटा कि इस वक्त हमारा परिवार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है और अंजलि तो अभी तक सदमे से उबर भी नहीं पाई है। पता नहीं कैसे पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब कैसे होगा। जी मुझे शिल्पी ने बताया था आशीष जी के बारे में, सुनकर बहुत बुरा लगा। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जल्दी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आप अंजलि की तरफ से ना पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भगवान पे भरोसा रखिए आप। हाँ बेटा। चलो, अरे 7 बज गए और पता ही नहीं चला। मैंने जो प्रॉब्लम दिया ना इसे सॉल्व करना, कल चेक करता हूँ। पक्का? चलिए मैं निकलता हूँ। ओके ओके बाय बाय। सॉरी भाभी, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, पूरा टूट गिर गया है। अंजलि मैं समझ सकती हूँ, एक तरफ तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, दूसरी तरफ तुम्हारे भैया का दुख। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। भाभी मैं कहीं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। अंजलि मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, मैं भी तो जी रही हूँ ना तेरे भैया के बिना, और मेरा मानना है कि अगर हम अपने अतीत को याद करते रहेंगे ना तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे, इसलिए खुद पर ध्यान दे। हाँ जा तू सो जा, मैं देख लूंगी ये सब। शुमी, ओ वाओ,
That's absolutely it. Just one correction here. Okay, divided by x, then it'll come 0. Okay? All right, so let's move on to the next one. Have a sweet dream. Anjali? 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 Kahan reh gayi Anjali? कर रही हो तुम? कोई देख लेगा तुम? मास्टर जी, ये चैप्टर ऑफ लव हमें भी पढ़ा दो। तो क्या है ना कि जहाँ पे आप छोड़ के गए थे ना, वहीं पे अटके हुए हैं। तब से आपका इंतजार ही तो कर रहे हैं। वैसे घर पे आज कोई नहीं है। फिर तो अपना चैप्टर जरूर कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि आज मूड भी है और मौका भी। वैसे एक नंबर की खिलाड़ी हो तुम। वेल, अगर मंजिल तुम हो तो कठिनाई भरे रास्ते से तो गुजरना ही पड़ेगा। तुमसे मिलने का वैसे काफी मन था, इसलिए मैंने अंजलि और माँ जी को घर से बाहर भेज दिया। मिलते तो वैसे रोज ही हैं हम लोग। हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं ना। अच्छा, किस तरह से? माँ, सुनो ना, आज से मैं अपने रूम में पढ़ाई कर सकती हूँ। वो क्या है ना, हॉल में कभी तुम आ जाती हो, कभी भाभी आ जाती है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है और प्रतीक जी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे यहाँ दिक्कत है तो तू कर ले, मैं क्यों मना करूँगी। हाँ, बस तू अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगा और जल्दी से गवर्नमेंट जॉब ले ले। ठीक है, चलो कर लो बाकी के काम। दैट्स द इक्वेशन। अच्छा अंजलि, अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिसे सारे के सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं और मेरिट में आते हैं। देखो, एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हें आते हैं, सबसे पहले तुम्हें उन्हें सॉल्व करना है, जिन्हें तुम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकती हो, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन्हें बाद के लिए रखते हैं। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम मेरिट में भी आ जाओगे। गॉट इट? ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन। दिस As you can see here, this is the pole graph, and we have divided into 4 sections.
अंजलि आज यहाँ बेडरूम में? वो भाभी एक्चुअली हॉल में बहुत डिस्टर्ब होता था तो मैंने सोचा क्यों ना रूम में ही पढ़ाई कर ली जाए, यहाँ बहुत शांति है ना? हाँ बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पर। बेटा शिल्पी कंटिन्यू। ओके सो नेक्स्ट इक्वेशन इज जेड स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू एक्स। हाँ माँ। वो बेटा प्रतीक आया हुआ ना, तो प्रतीक और अंजलि के लिए चाय ले जा। मैं ये सेकंड वाला कुछ समझी नहीं। ये वाला है? अरे बहुत इजी, देखो x स्क्वायर है ना, इसमें से पाई को माइनस करा तो ये वैल्यू आ जाएगी। चाय। ओके चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you so much for coming in my life. You are an angel. Good night. हाय, क्या कर रही हो? तुम्हें क्या जरूरत थी अंजलि को उसके बेडरूम में स्टडी करवाने की? बाहर हॉल में नहीं पढ़ा सकते थे? नहीं, तुम्हें किस बात की प्राइवेसी चाहिए मुझे बताओ ना। अरे उसका घर है, वो जहाँ पढ़ना चाहे पढ़ सकती है यार, मेरा ध्यान सिर्फ उसे पढ़ाने में रहता है, दैट्स इट। अच्छा, हाथ पे हाथ रख के कौन सी पढ़ाई होती है बताना मुझे। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किसका हाथ किस पे रखा गया था। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा था, अंजलि का हाथ तुम्हारे हाथ के ऊपर था। स्टॉप इट यार शिल्पी, सबसे पहले अपने आप को शांत रखो। तुम देखो बात समझने की कोशिश करो, टीचर अपने स्टूडेंट को एक तरीके से पढ़ाता है, मेरे भी पढ़ाने का एक तरीका है यार, मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, आई एम सॉरी प्रतीक। इट्स ओके शिल्पी बेटा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय। आई माँ जी। या सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। अंजलि मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है तो मुझे जाना होगा। अरे बाय। नहीं एक मिनट। इतनी पढ़ी लिखी तो हूं मैं कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये मालूम कर सकूं, और आपकी नजरें कहां कहां जा रही थी मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो इतना नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। डोंट बी शाय। ये शिल्पी कहां रह गई, आई नहीं अभी तक। अरे बेटा माफ करना, आज चाय बनाने में देर हो गई तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए डिनर ही बना देती हूँ। आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ, डिनर करके जाना। नहीं नहीं आंटी, थैंक्स फॉर द ऑफर, पर मैं वेजिटेरियन हूँ और कोई नशा भी नहीं करता हूँ, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है आंटी। तो कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद है वो बता दो, मैं वही बना देती हूँ। हाँ। नहीं नहीं आंटी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम एक काम करते हैं, जब अंजलि अपना एग्जाम क्लियर कर लेगी ना तब हम साथ में खाएंगे, अब आज थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे, बाय।
लड़का हो तो ऐसा। हाँ माँ सही कह रही हो, लड़का तो काफी अच्छा है। से बचकर जाओगे कहाँ? आओगे तो मेरे पास ही। वैसे हमेशा पीछे से ही हक करती हो तुम, कभी आगे से भी किया करो। तो ये लो, आगे से कर लेती हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने तो लेकिन तुम्हें पहली बार हक किया है, तो तुमने ऐसा क्यों बोला? अरे वो कल तुम मेरे सपने में आई थी और मुझे ना पीछे से तुमने हक किया था, बस इसीलिए मुंह से निकल गया मेरे। रियली? ओ तो अब मैं तुम्हारे सपनों में भी आने लगी हूँ। अब जब सपनों में आने लग गई हूँ तो अपने दिल में भी जगह दे दो, ताकि मैं वहां पे भी राज कर सकूं। अब वैसे एक बात पूछूं, आर यू सिंगल? हाँ हाँ। अब इतने बेवकूफ तो आप हैं नहीं कि एक लड़की सामने से तुम्हें हग कर रही है और फिर अपने दिल का राज बता रही है, तो खुश वो तुमको चाहती होगी। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? अब मतलब अच्छी लगती हूँ? अगर इसे शिल्पी और मेरे बारे में बता दिया तो शिल्पी की बदनामी हो जाएगी और हमारी प्लानिंग के बारे में भी इसे मालूम पड़ जाएगा। प्रतीक कहाँ हो गए? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? आज वाइट शर्ट पहन कर आना। अंजलि पानी देना। अंजलि अंजलि। हाँ पानी तो बेटा। ये लो माँ। मुझे नहीं भाभी को। ओह सॉरी, ये मुझे भाभी। कहाँ ध्यान है बेटा तेरा? कहीं नहीं, मैं तो फ्रूट्स खा रही हूँ। मेरी तबीयत खराब है, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। मैं एक मिनट में आती हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से आराम आया? अभी अभी जो तुमने डोज दिया ना, उससे काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब अगर रोज ऐसे ही डोज मिलते रहे, देख लेना कभी बीमार नहीं पड़ूंगा मैं। अंजलि। हाँ भाभी। तुम आज क्लास अटेंड नहीं कर रही? प्रतीक भी नहीं आया? प्रतीक बीमार है तो मैं उनके घर ही चली गई थी ट्यूशन लेने। प्रतीक? हाँ भाभी प्रतीक। प्रतीक सर नहीं बोलना चाहिए था? भाभी एक ही बात है, सुनो ना, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, एक कप चाय बना दो प्लीज। तो बात यहां तक पहुंच गई है। अरे भाभी सुनो ना,
मैं कह रही थी रूम में चाय भेज दो ना, मैं आराम भी कर लूंगी। और कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम्हारे लिए तो डे बहुत नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। हमेशा याद रखूंगा इसे। तो अगर सोचो अंजलि नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है और तुम्हारी उससे शादी हो जाती है, तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी फेस्टिवल हो जाएगी, है ना? शादी? क्यों, क्या हुआ? शादी के नाम पे इतना हैरान क्यों हो गए तुम? नहीं, मेरा मतलब शादी के बारे में हम बहुत जल्दी नहीं सोच रहे। अच्छा, तो हमारे बीच जो हुआ वो भी तो जल्दी हुआ ना, फिर शादी में देर कैसी? देखो अंजलि, जो भी कुछ हुआ ना, डिसाइडेड नहीं था। तुम राजी थी, मैं राजी था, और यार उस मोमेंट में जो होना था वो हो गया। देखो प्रतीक, तुम मुझे इतना नादान मत समझो। मुझे पता है ये तुम्हारी चाल थी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, और इसीलिए तुमने मुझे अपने घर बुलाया है, कि नहीं? देखो अंजलि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहीं अंजलि से तो नहीं बात कर रहा? भी देखती हूँ। अंजलि, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ, ओके, बाय। दिखा दी ना मर्दों वाली जात। क्या वो शिल्पी? पहले तुम ये बताओ, इतनी रात को तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा था? किससे बात कर रहे थे तुम? अरे वो प्रिंसिपल सर को फोन लगाया था। दरअसल मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, मैं कल कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगा। ये नौटंकी ना किसी और के सामने करना। कॉलेज नहीं आ सकते लेकिन अंजलि को क्लास देने के लिए घर पे बुला सकते हो। हाँ, अरे यार वो जिद कर रही थी इसलिए देनी पड़ी क्लास, मेरा विश्वास तो करो। अच्छा, सब जानती हूँ मैं तुम किस तरीके की क्लासेस दे रहे हो उसको। वो जो तुम्हारी छाप है ना, उसके गले पे साफ नजर आ रही है, अभी भी वैसी ताजा है एकदम। तुम सारी तैयारियां करके रखना, मैं अपनी सास को संभाल लूंगी। कम से कम तुम्हारा और अंजलि का बोझ तो सर से उतरेगा मेरे, सुना कि नहीं? ठीक है। माँ, मैंने अपने लिए एक लड़का चुना है। लड़का कौन? अरे माँ, तुमसे जानती हो और तुमसे मिलोगी ना तो बहुत खुश होगी। मैं जानती हूँ? हाँ। कहीं वो तुम्हारा रोहन तो नहीं? वही है ना? नहीं 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 माँ, वो नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? अब तुम चलो, मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। कल मिलते हैं ना? नहीं माँ, कल नहीं, अभी इसी वक्त। चलो उठो। क्या कर रही है? चलो मेरे साथ। चलो। अरे रुक तो। चलो माँ। रुकिए पंडित जी, ये शादी नहीं होगी, आप जा सकते हैं। ये देखो माँ, ये है आपकी बहू, और ये वो लड़का है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती थी। प्रतीक मुझसे प्यार करता है,
और आशीष से पहले मैं प्रतीक से शादी करने वाली थी। काश तुम्हें मेरी शादी से पहले हमारे कॉलेज में जॉब मिल जाती तो आज मैं तुम्हारे बेडरूम में होती। बेडरूम किसी का भी हो, बस हम दोनों साथ में होने चाहिए। आशीष के लापता होने के बाद मैंने सोचा कि प्रतीक अच्छा लड़का है, इससे शादी हो सकती है और क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सच है, मैं किसी का भला करने चली थी और यहाँ तो मेरा ही बुरा हो रहा है। मतलब प्रतीक एक अच्छा टीचर है, अगर मैंने ये सोचा कि प्रतीक अंजलि को पढ़ा देगा तो कल को अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कुछ बन जाएगी। लेकिन अफसोस, आपकी बेटी को तो बस लड़कों पर डोरे डालने का शौक है। अपने ही चक्रव्यूह में फंसा लिया इसने प्रतीक को। बस मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। माँ, भैया लापता नहीं हुए थे, इन दोनों ने मिलकर मार डाला उन्हें। उसे क्या देख रही हो? हाँ, तुम्हारी और प्रतीक की सारी बातें मैंने कल सुन ली थी। मुझे तुम्हारी छाप है ना, उसके गले पे साफ नजर आ रही है, अभी भी वैसी ताजा एकदम। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं है कि तुम मेरे साथ भी रिश्ता रखना चाहते हो और अंजलि के साथ भी? देखो, मैं ये हर किस होने नहीं दूंगी। और ये मत भूलो, तुम मेरे पति के कातिल हो। और गलती से भी अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो एक कातिल का हश्र क्या होता है। इसलिए जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। हम कल सुबह मिल रहे हैं तुम्हारे घर पे और शादी कर रहे हैं, और तुम सारी तैयारियां करके रखना, मैं अपनी सास को संभाल लूंगी। कम से कम तुम्हारा और अंजलि का बोझ तो सर से उतरेगा मेरे। हाँ, मैंने ही प्रतीक के साथ मिलकर आशीष को मारा है। सो अच्छा, माँ जी और अंजलि ना शादी के फंक्शन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो तुम ना जितना जल्दी हो सके निकल जाना। 4 या 5 बजे के आसपास निकल जाना। ठीक है, लेकिन जाने से पहले तो मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तो दे दूं। बर्थडे गिफ्ट? ओह माय गुडनेस प्रतीक, ये तो बहुत महंगी होगी ना। तुमसे कीमती नहीं है, लाओ मैं पहना दूं। चलो घूमो। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब कर रही थी? अगर मैं ऐसे नहीं मारता ना, तो ये तुम्हें मार डालता। हम क्या करेंगे? रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करेंगे? मुझे सोचने दो कुछ। रुको, क्यों किया तुमने? इतने वक्त से तूने मुझे अंधेरे में रखा और दूसरी तरफ मुझे कहती रही कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझू। तुम इस घर की जिम्मेदारियां संभालोगी? अरे तुझ जैसी चालबाज को तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा अंजलि, बुला पुलिस को, मेरे बेटे के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये चिंता मत करो माँ, मैंने इसका पहले से इंतजाम कर रखा है, बस आती होगी पुलिस। कॉन्स्टेबल लेके जाओ दोनों को। मेरा बेटा।